इतना काम कराते थे कि कुछ कहने को नहीं। बड़ा घर होया करता था तो झाड़ू पोछा बर्तन और जो नौकर मतलब उनके जो मेरे साथ में जो काम करते थे बाहर से लगवाए थे उन्होंने, तो उन्होंने छुड़वा दिए थे क्योंकि मुझे रख लिया था ना। मैं तुम लोगों को नजर उतारूंगा। हमेशा के लिए तो उन्होंने काम वाले छुड़वा दिए थे, कह रहे थे शकुंतला सारा काम कर लेगी। गैया भी थी तो उनके यहाँ गाय का चारा काटना और सानी लगाना, दोपहर में कड़ी धूप में जाके पानी दिखाना गैया को, सारा मतलब करती थी मैं काम, और उन्होंने लेकिन मेरे पैसे सारे खा लिए। अभी अब छाड़ दिया है काम, पहले भीख मांगते थे, चौका बर्तन करते थे, बच्चन का पालन पोषण करते थे, भीख मांग मांग मांगते थे तो कुछ लोग देते नहीं थे, और काम में करते थे लेकिन वो लोग मतलब पापा ने छोड़ा था, इतनी सी थी, स्टेशन में गोदी में ली रहती थी, मम्मी वही भीख मांगने जाया करती थी। हाँ, मैं इसको ताके ताके रखा रख दी भैया को, भैया हमारा इतना सब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरके निषाद, स्वागत करता हूँ आप सबका दर्शक न्यूज 24 में। और दोस्तों बता दें कि आज हम फिर से एक बड़ा ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के समक्ष, यानी कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की मशहूर कॉमेडियन शकुंतला जी का। तो आज हमारे साथ शकुंतला जी का पूरा परिवार होगा, उनकी बहनें और उनकी माँ, वो सारे लोग होंगे। क्योंकि पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैंने शकुंतला जी और उनके गुरु यानी कि उनके छोटे भाई दीपक जी से मिलवाने का काम किया था, जिन्होंने अपनी पूरी स्टोरी आप लोगों के साथ साझा की थी, कैसे वो सोशल मीडिया पर आए, उससे पहले क्या करते थे, सोशल मीडिया का प्लान उनके दिमाग में कैसे आया था और क्यों वो सोशल मीडिया पर आए, बहुत सारी मुद्दों पर हमने बातचीत किया था। लेकिन लास्ट में हमने वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि जो शकुंतला जी ने बोला था कि स्टेशनों पर हमने भीख मांगे हैं, स्टेशन पर हमने रात गुजारी है, हमारे पास रहने के लिए ना तो घर थे, ना कोई छत थी, खाने का कोई ठिकाना नहीं था, उस बात की जांच पड़ताल के लिए उनकी माँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। उनकी बड़ी बहन हमारे साथ है, उनकी छोटी बहन हमारे साथ है, लेकिन माँ कभी झूठ नहीं बोलेगी, माँ कभी फरेब नहीं बोलेगी, माँ हकीकत में अगर वो दिन देखी होंगी तो वो हमसे और आपसे साझा करेंगी। लेकिन थोड़ा सा ये मन में तकलीफ होती है कि कैसे होते हैं वो निर्दयी निष्ठुर लोग जो इस तरह से अपने बीवी बच्चों को सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितनी माताएं बहनें हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी चाचा दादा लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से करवद निवेदन करता हूँ कि कभी भी अपने परिवार से मुँह मत मोड़िए, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को इस तरह से दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर मत करिए, उसको छोड़िए मत। जब तक सांसें चले तब तक आप साथ दीजिए, अगर नहीं कुछ कर सकते हैं तो अपने परिवार का दामन पकड़ के रखिए, वो अपने आप जीना सीख जाएंगे। सही कहा हमने? हाँ बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, माता जी हमारे साथ है। माता जी क्या नाम हुआ आपका? चंपा। चंपा क्या करती हैं अभी? अभी अब छाड़ दिया है काम, पहले भीख मांगते थे, चौका बर्तन करते थे, बच्चन का पालन पोषण करते थे, भीख मांग मांग बच्चन का खिलाते थे। उस समय कितने बच्चे थे माँ जब आप भीख मांगती थी और स्टेशनों पर लेकर आई? 5 बच्चे थे, एक लड़का और 4 लड़की। 4 लड़कियाँ। इन सबको लेकर आप भीख मांगती थी। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा और कहावत में लोग बात कहते हैं कि डायन माँ को भी अपने बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। डायनों के बारे में जैसे एक कहावत है कि लोग बात कहते हैं ना कि डायन बहुत खतरनाक होती है, डायन खा जाती है लोगों को, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि डायन को भी अपने बच्चे प्यारे होते हैं। इसलिए मैं माँ की तुलना नहीं कर रहा हूँ, एक कहावत कह रहा हूँ कि यानी कि माँ को अपने बच्चे इस कदर प्यारे होते हैं कि चाहे उनका बच्चा अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे दुनिया के लिए खराब हो, काला हो, कुबड़ा हो, लेकिन माँ के लिए बच्चे बच्चे होते हैं। और आज वही कर दिखाया इस माँ ने, इस माँ की चेहरे की झुर्रियों को जरा एक बार गौर से तो देखिए कि अपने 5 बच्चों को लेकर स्टेशन पर रात गुजारी, अपने 5 बच्चों का भरण पोषण इन्होंने भीख मांग के किया। अगर 1-2 बच्चे होते तो बनी मजदूरी करके पाल सकती थी, लेकिन जब 5 बच्चे थे तो 5 बच्चों को पालने के लिए कैसे कैसे दिन इस माँ ने देखा। मत रो माँ, मत रो,
जान। और पति ने बीच मझधार में छोड़ दिया, पति जीवित है तो क्या मतलब है ऐसे मनुष्य का जो जीते जी अपने पत्नी और बच्चों को साथ न दे सके। माता जी रोइए नहीं, शांत हो जाइए। क्या कुछ दास्तान है आप बताइए हमसे, सब आपको देख रहे हैं। हमारे बिटिया का ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा जितना बढ़ा सकें, उन्हें इनकी बदौलत बढ़ी है। हाँ। वही बढ़ाया है, सपोर्ट करें। थोड़ा महतारी उस दिन के तनिक बता दे कि जो दिन तुम गुजारे हो वो दिन। वो दिन स्टेशन में परे परे बच्चे को लेटाए रहते थे, कपड़े नहीं थे, धोती लपेट के बच्चों को पाँचों को बैठा के खिलाती थी लाला। हाँ। चूल्हा नहीं जलता था, खाने का आटा नहीं इतना था, कुछ नहीं। अम्मा जब ना घर न द्वार न कुछ कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं। और जब तुम भीख मांगत रहे हो अम्मा, तो ये गदलवा कहाँ करते रहे, कहाँ रात रहे? बैठा देती थी, अब मांगती थी, नहीं मांगत रहे, यूँ मांगते थे। लेकिन ये छोटा था भैया, बिल्कुल छोटा, तो बैठा देती थी, मांगते। हाँ। आदमी कब से छोड़ दी थी तुम्हें, कब से साथ नहीं दी? बच्चे थे, सब का छोड़ दी। 17-18 साल हो गए छाड़े, कब हो साथ पीछे पीछे घूम के देखा नहीं है कि का खा रहे हैं, का कर रहे हैं, का नहीं कर रहे। आ जाओ, नहीं आता है। नहीं कहता है कि हमें रखो, अब तो हम कहा हम ना रखेंगे, हमारे जब ये इतने बच्चे ने रहे हैं तब तो साथ नहीं दीने, अब क्या देखो। रहा थे बगल है में। हाँ, कॉलोनी में। तो अब कोनो बिटियन के शादी होती के हो कि अब सब छो बड़ी वाली का किया कई दे हो? हाँ, एक बिटिया की शादी कई डाल रहे हो? हाँ, कई डाल रहे हैं। कई ठो बाकी हैं? अब तीन बिटिया बाकी, तीन बिटिया एक बेटो बाकी है ब्याह करे का। हाँ। तो अब चूल्हा चौका छोड़ दे हो कि नहीं किया? कर छोड़ दिया है, अब नहीं करते हो? हाँ, अब नहीं करते। जैसे बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, जब बिटिया थोड़ी सी सियानी हो जाती हैं, माँ को जब ऐसा लगता है कि अब बेटियों को सुरक्षित जगह पर लेकर हमें रहना चाहिए, युग जमाने को देखते हुए सड़कों पर नहीं भटकना चाहिए, तो माँ क्या करती है कि चूल्हा बर्तन का काम शुरू कर देती है। फिर अपने बच्चों को पालने के लिए एक बार फिर से जंग लड़ती है ये माँ, और अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरे के घर में चूल्हा चौका बर्तन करती है। और उसके बाद समय थोड़ा सा करवट लेता है, बीच में बेटा कुछ ऐसी मिसाल पेश करता है कि अपनी बहन को सोशल मीडिया पर लाता है और वो वायरल हो जाती है। वायरल होने के बाद थोड़ा सा सुधार आता है कि कभी खाने की तलाश में सारा दिन गुजार देने वाले लोग कम से कम आज पेट भर खा रहे हैं। कम ना? हाँ भाई, आज कम से कम खाएगा तो मिला था। हाँ, पेट भर खा। पहले तो तुम यह सोचा रहे हो कि मिल जाए तो मैं केकर केकर बांटी, बच्चों को खिला दूं, मैं चाहूं खाऊं चाहे ना खाऊं, मैं अपने बच्चों का पेट भर। अच्छा, मैं जब भीख मांगत रहे स्टेशन में तो लोग बाग ऊटपटांग बोलता रहे? हाँ, कह देते थे कि क्या कर रही हो, ये भीख क्यों मांग रही हो, जाओ कमाओ ना। हाँ, कहाँ कमाएंगे, पहले मेरे कमाने के वह नहीं, दिमाग नहीं आ रहा था। देख, एक रुपया और हाँ, रहन दे 20। हाँ, 20। फिर चौका बर धीरे धीरे एक दूठा काम पकड़ा, फिर काम करने लगे, तो फिर बच्चन का पेट पालने लगे। भगवान करे किसी के जीवन में ये दिन न देखने पड़े, लेकिन एक चीज तो साबित हो गई कि इस दुनिया में माँ से बड़ा बहादुर कोई नहीं होता। माँ माँ होती है, और आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कहते हैं ना कि बिल्ली भी अपने बच्चों को तनहा नहीं छोड़ती, सात घर डकाती लेकिन कभी तनहा नहीं छोड़ती। माँ माँ होती है, माँ के लिए बच्चे कितने भी बुरे हों और बच्चा कितना भी नालायक हो, लेकिन माँ के लिए बच्चे बच्चे होते हैं। और वही कर दिखाया इस माँ ने कि अपने 5 बच्चों को लेकर स्टेशन पर भटकी, भीख मांगी, दूसरे के सामने हाथ फैलाए, लेकिन 1 रुपया लोग देते थे, लेकिन 1 रुपया देने से पहले कम से कम 100 बातें सुनाते थे। और वो व्यक्ति जिसने 7 फेरे लिए थे और 5 बच्चे पैदा करके और
रास्ते पर भटकने के लिए छोड़ देता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भगवान करे किसी के जीवन में ये दिन ना आए और कोई ये दिन ना देखे, और सबकी माँ की लंबी उम्र हो, सबके पिता की लंबी उम्र हो, चाहे जो भी हो, लेकिन माँ माँ होती है। तो का कही हो माँ, जो उन आदमी देखा तुमसे का कही हो, कैसे का करे तुम्हारे कितना भैया मेरी बिटिया का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा है और वो करें बढ़ावा या वो करें सपोर्ट करें भैया बिटिया का। मोह बहुत पिछड़े इलाके से आते हैं, बहुत पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, बुंदेलखंड यानी पश्चिमी यूपी से, तो अभी उतना ज़्यादा इधर मतलब लोग बाग जागरूक नहीं हो, उतने ज़्यादा समर्थता नहीं आई है इधर कि अच्छे से लोग बाग रिएक्ट करें। चलिए अम्मा आप थोड़ा सा हम दीदी से बात करेंगे, इधर आओ। कौन से नंबर की सबसे बड़ी बहन है आपकी? नहीं हमसे बड़ी है एक, हम दूसरे नंबर के हैं। तो कैसा लग रहा है बहनी पहले में और आज के दिन में? आज के दिन में बहुत अच्छा लग रहा है। जब पहले वाला याद आता है तो बहुत रोना आता है कि पहले दिन हमारे कैसे थे, अब थोड़ा अच्छे हो गया तो अच्छा लग रहा है ना। अच्छा है। दिन आपने भी देखा है माँ के साथ? हाँ हम लोग ने। वो लम्हा कोई एक ठो बता दीजिए कि जब आप किसी से पैसे मांगती रही हो तो किसी ने आपको कुछ बोला? हाँ जैसे काम में महीना होता था तो मांगते थे तो कुछ लोग देते नहीं थे, और काम में करते थे लेकिन वो लोग काम करवाते थे जैसे छोटी छोटी लड़ाइयों में छुड़वा देते थे, हमारा पैसा भी वहाँ फंस जाता था, देते नहीं थे। बहुत सारे लोग तो इसमें ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि वायरल होने के लिए, मशहूर होने के लिए या फेमस होने के लिए ये ड्रामा रच रहा है, लेकिन हकीकत यही है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, बड़ी दूर से चलकर आया हूँ। हम मम्मी ने मुझे एक जगह रख दिया था तो मैं वहाँ 2 साल रही थी, तो उन्होंने मेरा पैसा खा लिया था और दूसरी जगह से फिर दूसरी जगह मम्मी ने मुझे भेज दिया था, पैसों के लिए भेज दिया था कि पैसे मतलब थोड़ा बहुत मिल जाएंगे घर चल जाएगा, तो वहाँ भेज दिया था। इसके बाद मैं वहाँ 3 साल रही हूँ, कुल मिला के बाहर मैं रही हूँ 5 साल। तो दोनों जगह जहाँ मैंने काम किए उन्होंने मेरे पैसे खा लिए हैं और दिए नहीं, पैसे नहीं दिए मेरे। हजम नहीं कर पाएगा वो बंदा। नहीं, और इतना काम कराते थे कि कुछ कहने को नहीं, बड़ा घर होया करता था तो झाड़ू पोछा बर्तन, और जो नौकर मतलब उनके जो मेरे साथ में जो काम करते थे बाहर से लगवाए थे उन्होंने, तो उन्होंने छुड़वा दिए थे क्योंकि मुझे रख लिया था ना हमेशा के लिए, तो उन्होंने काम वाले छुड़वा दिए थे, कह रहे थे शकुंतला सारा काम कर लेगी। गैया भी थी तो उनके यहाँ गाय का चारा काटना और सानी लगाना, दोपहर में कड़ी धूप में जाके पानी दिखाना गैया को, सारा मतलब करती थी मैं काम, और उन्होंने लेकिन मेरे पैसे सारे खा लिए। तुलसी हाय गरीब की लोह भस्म हो जाए, गरीब का हक अधिकार और उसका हिस्सा मानने वाला कभी कुछ नहीं रहा, इतिहास गवाह है। कभी कोई ऐसा दिन आया था बहनी कि जब आप काम करने गई हो और आपको लगा हो कि जिस घर में आप काम कर रहे हो अच्छा अच्छा खा रहे हैं, या तो बच जाए या तो फिर ये हमें एक बार कह दें कि तुम भी खाओगी ये ले। नहीं कुछ लोग ऐसा होता है कि मतलब अच्छे थे कुछ लोग, और कुछ लोग देखते थे तो खाते थे, देख वो देखो उस उधर पे पोछा अच्छे से नहीं लगा, देखो पोछा लगाओ अच्छे से, ऐसे कहते थे। खा रहे हैं सामने बैठे, पोछा ठीक से नहीं लगा, देखो एक व्यक्ति निकल गया और चप्पल बनी है, दोबारा से पोछा लगा। कभी ऐसा हुआ कि जब वो लोग कुछ जहाँ पे आप काम कर रही थी झाड़ू पोछा बर्तन का, वो कुछ खा रहे थे और आपके मन में भी जिज्ञासा चल रही थी कि मैं भी ये खाना चाहती हूँ, कभी एक बार कह दें? काफ़ी लोग मतलब अच्छा अच्छा खाते हैं तो लगता था कि हाँ थोड़ा सा पूछेंगे कि देंगे, तो भूखे पेट हम लोग जाया करते थे सुबह सुबह, कभी किसी ने नहीं पूछा, हम लोग खाली पेट भी रहते थे तब भी हम लोग काम करते रहते थे, चक्कर आने लगता था, पानी पी पी के काम चला लिया करते थे कि हमें काम करके हम थोड़ी देर बाद चले जाएंगे फिर हम घर में बनाएंगे, लेकिन क्या है लोग काम कराता इतना एक्स्ट्रा काम करा लेता था कि शाम हो जाती थी करते करते।
दीदी क्या कहेंगी आप बहन के लिए? आज बहन वायरल हो गई है। यही कहना चाहूँगी और ज़्यादा बहुत आगे बढ़ाया हमें शकुंतला को, इतना बढ़ाया और ज़्यादा बढ़ा दे कि हमें और अच्छा लगे, मतलब अच्छे से खा पी सके, जी सके। आप क्या करते? मैं भी झाड़ू पोछा ही बर्तन करती थी, हम दोनों साथ में जाते थे। अभी छोड़ दिया। शकुंतला वीडियो बनाने लगी, इसके बाद हमने छोड़ दिया। फिर ये लोग जाती, दीदी और मम्मी जाती थी, तो फिर धीरे धीरे इनका भी काम छुड़वा दिया लोगों ने। कहा इसका श्रेय किसको जाता है? मम्मी को जाता है। मम्मी ने हमारी इतना पाला, बहुत बड़ी बात है। अब हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम करें, मम्मी को फिर बैठ के खिलाएं। कभी दीदी मन में ख्याल आता है कि जो दिन हमने गुजारे हैं, भगवान करे अब वो दिन किसी को ना गुजारना पड़े, भगवान करे ऐसी जिंदगी किसी को ना मिले। और जो पिताजी ने किया है, पिताजी ने किया है बहुत गलत किया, लेकिन हम तब भी हम अपने पिताजी को रखना चाहते थे, तब भी हमारी दादी नहीं रहने दे रही है, हमारे खिलाफ भड़काती है। क्या कहती है? कह देती है तुम लोग कब तक यहाँ रहोगी, शादी कर करके जाओ, जिससे कि हम अपने मतलब नाते के साथ रहें, फिर नाते कमाएगा जो हम अपने बेटे को देंगे। इस तरह की मतलब इतनी चलाका, इतनी मतलब पूरी जिंदगी हमने बिना पिता की गुजारी है, और अब है जो तब भी हमारे पिता, अब तो बड़े हो गए, अब तो हमारे पिता को हमारे साथ रहें, हम अपने पिता को कमाने के लिए नहीं बुला रहे, कि हम चाहते कि हमारे पिता जी इतने दिन से अलग हैं तो हमारे साथ रहें, तो वो रहने देती है दादी, सोचती है फिर रहूँ इनके साथ, फिर वही हाल करूँ, फिर से यहाँ वहाँ बिछड़ाऊँ इन लोग को, अलग करूँ। हाँ ये चाहती है कि चले जाए, ये वीडियो बना रही है, गलत कर रही हैं ये लोग, सोचती हैं गलत है अपना। हाँ दादी के हमारे एक ही लड़का है, दादी के हमारे एक ही लड़का, हाँ हाँ। और जो हमारे पापा जो है, हमारी दूसरी वाली मम्मी मतलब दादी, हमारी दादी के जो थी पहली वाली मम्मी, उनके तीन बच्चे हैं, हमारे दादा, दो दादा एक पापा, तीन लड़के थे। अच्छा ये सौतेली माँ? हाँ सौतेली है। और हाँ तो अपना बच्चा वो छोड़ के आई थी, अपने बच्चे को वहाँ रखे, कहाँ रखा गाँव में रखे, या हमें पापा कमाते तो देती है चुप, लेकिन हमारे पापा को विश्वास नहीं होता, करे वो कुछ नहीं देती है, हमने पापा विश्वास करो देती है। एक औरत उनकी गांव में रहती है, वो बताती कि ये आती है चुप मिलती है देती है, लेकिन हमारे पापा को भरोसा नहीं है, हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दादी झूठ नहीं बोल रही है। एक छोटी बहन, इधर आ बेटा, इधर, तुमको भी वीडियो में देखा गया है कई बार जी, है ना? क्या नाम है? कोयली। अरे कोयली दीदी, आ कोयली दीदी। दोस्तों ये गांव में होता है, देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज भी हमारे गांव में, अगर बुंदेलखंड में आएंगे पश्चिमांचल में, तो कोयली, तेरासिया, सुकरी, हाँ सुमानिया, ऐसे करके बहुत सारे नाम, कलोए हुआ, हाँ बहुत सारे ऐसे नाम, मतलब लोग बाग प्यार से रखते हैं, प्यार से रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नाम हो गया, लोग बुलाते हैं इसे। तो का दीदी का हाल चाल है? सब ठीक है। ये छोटका ही दीदी है हमारे, पहचान लो, कोयली दीदी। ऋषि आती तो नहीं आहू? नहीं। हाँ कि भैया का खींच के दे दिए तो बहुत बोला। दीदी वायरल हो गई तो नीक लागत? अच्छा लग रहा है। अच्छा तो का कही हो जो देखा थे तुम कर, और आगे तक बढ़ाए? कितना आगे तक? मतलब जहाँ ट्रेन न पहुँचे? नहीं इतनी, मतलब ऐसे बढ़ा दे कि मतलब एकदम घर की वो ठीक हो जाए और गरीबों की मदद कर सके। ओ बहुत बड़ी बात है उनकी, मतलब कि इतना जो है हमें बढ़ा दीजिए कि हम खुद गरीब थे और गरीबों की मदद करें, क्योंकि गरीबी का दर्द इनको पता है ना। अच्छा उस समय ये भी थी माँ, आप भी थे, आपको याद है कुछ? जब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं याद है, छोटी थी, चलना भी नहीं आता था, पड़ी रहती थी। हाँ जब हम अलग होते, मतलब पापा ने छोड़ा था, तो इतनी सी थी, स्टेशन में गोदी मिली रहती, मम्मी वही भीख मांगने जाया करती थी। हाँ मैं इसको ताके रखा दी भैया को, भैया हमारा इतना सा था एकदम, आइए छोटी चल। कभी कभी दीदी झगड़ा वगड़ा होता है? हाँ कभी कभी हो जाता। काहे के लिए झगड़ा करती है सबसे, मतलब कोई ऐसा काम के भी? तुम जांगर चोराउती हो क्या? काम नहीं करती है ये घर का। जब भी दीदी बोलेगी झाड़ देवा करो, तुम्हारे या झाड़ू नहीं, कैसे से झाड़ देवा करो, कैसे जा रहा था? झाड़ू से इस तरह मारते हैं और झाड़ भी देते हैं इस तरह सर करके। सबसे ज्यादा आपको कौन रोस्ट किया आज तक? किसका मतलब काफी लोगों ने किया है,
सब जब एक उठाएगा तो बराबरी से सब चलते हैं। हाँ, सब बराबरी से चलते हैं, ये देखा है मैंने। और क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से हमारे, आज दोबारा फिर से आप हाँ अभी भैया ने मतलब दूसरा ये हमारा इंटरव्यू भैया ले रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा भैया आए और सबका मतलब हाल चाल पूछा। आज तक कोई पूछता नहीं है इतना ज़्यादा, कोई आता भी नहीं है, क्योंकि भैया फर्स्ट भैया ही है, फर्स्ट आए हैं ना दीदी। हाँ, इंटरव्यू भैया ने इस बार मतलब इस बार क्या भैया ही ने सबसे अच्छा लिया है, और किसी ने इतना अच्छे से नहीं पूछा जितना अच्छे से भैया ने पूछा है। तो दोस्तों बता दें कि आज हम फिर से उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के झील के पूर्वा गांव में मौजूद थे, जहां पर हमने गांव से उभरते एक सितारे से मिलवाया जिसका नाम है शकुंतला। शकुंतला एक मध्यम और गरीब परिवार की वह बेटी है जिसने लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली, अपनी छाप छोड़ दी, कहीं कहीं लोगों को हंसाने का और इंटरटेनमेंट करने का काम करती है। अपने कॉमेडी के माध्यम से तरह तरह के वीडियो लेकर आती है और कई तरीके से लोगों को, जो गमगीन लोग होते हैं जिनके दिल में कोई उलझन होती, तकलीफ होती, उनको हंसाने का काम करती है। चलते चलते दर्शकों को एक कट को फिर से कोई कॉमेडी बता दीजिए अगर हो जाए। जले जले ना तुम लोग, जले ना, क्यों नहीं जलोगे जब भैया इंटरव्यू लेने आए हैं। और दूसरा कोई, और दूसरा हम गरीब हैं, हम गरीब और कोई है बता, और कोई बढ़िया अच्छा सा जो आपको याद हो। इतने सारे मतलब टॉपिक बनाए थे हम लोगों ने इंस्टा में, उस वाले इंस्टा में बनाए थे काफ़ी सारे, जो कि वो डिलीट हो चुका था, तो जो डिलीट हो गया था चैनल, तो मैंने हार मान ली थी कि मैं नहीं बनाऊंगी। हाँ, क्योंकि उस सिस्टम में बढ़ रहा था इतना तेज़ी से, तो मैंने हार मान ली थी, लेकिन फिर भी आज इनका इतना प्यार और सपोर्ट है कि इतना कम समय में, इतना कम समय में मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं बोलूँगी धन्यवाद आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है, और मैं आप लोगों को यूँ ही हंसाती रहूँगी, यूँ ही आप लोग हंसते रहना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को हंसाती हूँ मैं तो। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और शकुंतला जी के परिवार से मिलकर उनकी स्थिति और परिस्थिति जानने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, माँ के लिए ज़रूर करिएगा दोस्तों। मैंने कभी वीडियो में बोला नहीं, लेकिन आज जो हालात, जो दर्द मैंने सुने, कसम से बता रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भगवान करे किसी के जीवन में ऐसे दिन ना आए, किसी को ऐसे दिन देखने ना पड़े, सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और माँ के लिए एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।